ऋषि भागा लक्ष्मी को बचाने के लिए उसी कार्यस्थल पर जहां पर लक्ष्मी पहुंची हुई है, लेकिन ऋषि भी फंस गया उन गुंडों के जाल में। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। लक्ष्मी उस गुंडे को समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है, लेकिन उन गुंडों के ऊपर लक्ष्मी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद वो लक्ष्मी को धमकी देते हैं कि जल्द से जल्द हमारा काम करो, नहीं तो हम तुम्हारी बहन को जान से मार देंगे। लक्ष्मी जो है उस गुंडे के साथ निकल पड़ती है दयाशंकर से मिलने के लिए, साथ में वो गुंडा भी उसी के साथ निकल पड़ता है। दयाशंकर जो है काफी अच्छे विचारों वाला है, इसीलिए वो लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उसके ऑफिस में मौजूद कई लोग बॉस से मिले हुए हैं। लक्ष्मी जो उस गुंडे के चेहरे की तरफ को देखती है, कितना रिलैक्स बैठा है। मैं डर रही हूँ, इसी वजह से मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी जो है अपने आप को शांत करती है। दयाशंकर के आने के बाद लक्ष्मी जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद लक्ष्मी जो है दयाशंकर के साथ निकल पड़ती है। ऋषि लक्ष्मी का नाम सुनते ही मलिष्का को ढाबे पर छोड़कर लक्ष्मी के कार्यस्थल पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो रिसेप्शन वाले से पूछता है कि मुझे लक्ष्मी से मिलना है। रिसेप्शन वाला भी बॉस से मिला हुआ होता है, इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि शायद बॉस ने ही इसे बुलाया होगा, इसीलिए वो लक्ष्मी से मिलने के लिए उसे कह देता है। उधर मलिष्का के घर पहुँचते ही नीलम जो है मलिष्का से पूछती है कि ऋषि कहाँ गया है, जिस पर मलिष्का बताती है कि वो लक्ष्मी के पास चला गया है। सुनकर नीलम को घबराहट हो जाती है कि ऋषि को लक्ष्मी से दूर रखना था। देखना ये होगा कि क्या ऋषि भी उन गुंडों के चंगुल में फंसकर रह जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।